हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुंचलो। माय नेम इज गौरीश। मुझे लिटरली डेली बेसिस पे रोज बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे यूट्यूब कमेंट आते हैं कि भैया क्या हम 6 महीनों में नीट क्रैक कर सकते हैं क्या, या फिर क्या हम ऐसी पढ़ाई अगर अभी से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, तो क्या हम एम्स या फिर एम्स दिल्ली वगैरह क्रैक कर सकते हैं क्या। एंड यू नो, यूजुअली मैं सोचता हूँ कि इन लोगों को क्या बताऊं, मैं क्या इनको रिप्लाई करूं। कॉमेंट एवरी सिंगल टाइम दैट वॉट एवर यू थिंक यू कैन एंड वॉट एवर यू थिंक यू कांट, बोथ आर ऑलवेज इक्वली राइट। ये बहुत फेमस प्रोवर्ब है एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन दैट, बिकॉज क्या आप कुछ चीज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो मैं आज आपको आज वीडियो में कैसे बताऊं, वो मैं आपको कोई दूसरा कैसे बता सकता है। आई थिंक वॉट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग और वॉट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग, इसका जवाब सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है और वो आप खुद हो। तो इफ यू थिंक फ्रॉम विद इन योर सेल्फ कि नहीं, मैं बिल्कुल क्रैक कर सकता हूं नीट, इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ में कर सकती हूं या कर सकता हूं, देन यू विल क्रैक इट। एंड इफ यू थिंक कि नहीं, इस बार नहीं होगा, मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, या फिर ये 6 महीने बहुत कम टाइम है, बाकी के लोग पागल है क्या जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग पागल नहीं है जो 2 या 3 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। बट अगर आप में वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अगर आप सोचते हो कि नहीं, मैं कैपेबल हूं एंड मैं अपना पूरा 100% दे दूंगा, जो बोलते हैं कि कर्म की चिंता कर, फल की चिंता मत कर, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन You will 100% crack NEET examination. Like it is not something which is very out of this world. अगर मैं खुद की बात करूं तो 11th में मैंने कुछ भी खास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था, almost कुछ भी नहीं। It was a new city, I was in Nasik and I remember just like every single day I used to be so blank कि क्या पढ़ा रहे वगैरह। मेरे आजू बाजू, I was from CBSE, I was from a small town or you can say a village, and वहां पे you know majority of people were from ICSE or even if other school, but they were from better school, big cities and everything, and I used to feel very alone or otherwise left over or something like that. But today I think I am very proud to say that I am in one of the top colleges, you know, one of the top ranker in my coaching institute. So वही मैं आप सबको बता रहा हूँ कि self confidence is everything, and ये confidence जो है आप you know you cannot कोई आपको दे बता नहीं सकता या फिर कोई आपको दे नहीं सकता है। दिस कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच आर यू जनरेट विद इन योर सेल्फ, एंड इफ यू थिंक यू कैन, देन ट्रस्ट मी माई फ्रेंड, नोबडी, नन ऑफ द पावर इन द यूनिवर्स कैन स्टॉप यू, इनफैक्ट इट विल हेल्प यू, क्योंकि कोई किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश में जुट जाती है, एंड एज फिल्मी एज इट गेट, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड For the people who think that they are capable of, you know, cracking NEET in 6 months, this video is for you. And I hope you watch the entire video in order to understand, in which I'm going to help you. कि आप क्या-क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है in order to, you know, make sure that whatever your confidence is there of cracking NEET examination will turn out into a very fruitful result. Okay, so the number one tip that I would like to give you all is that try to complete your syllabus till Feb. जितना जल्दी आप syllabus complete कर पाओगे, you know, अभी क्या November, December, Jan, Feb. So you have 4 good months. So if you actually start doing and every single day अगर आप practice अच्छे से करोगे और बिल्कुल भी time waste नहीं करोगे, because for you every single minute counts at this point of time. So if you started, try to complete your syllabus till Feb. You know, एकदम perfect तो definitely नहीं आएगा, but जितना भी है at least आपको एक पूरा exposure होना चाहिए सारे subject का, सारे topics का, सारे sub topics का, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसका, एंड यू नो तुम्हारे दिमाग में एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि फेब के बाद जब तक तुम्हारी एग्जाम आएगी, अगर तुमने फेब तक अपना पोर्शन कंप्लीट कर लिया तो आपके पास प्रॉपर टाइम रहेगा टू रिवाइज इट, एंड ट्रस्ट मी लास्ट के मंथ में कुछ अलग ही एनर्जी आ जाती है। आई थिंक थॉट आई वॉज कैपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी रिविजन, बट सिंस आई कंप्लीटेड माई सिलेबस विद इन टाइम, सो आई वॉज वेरी रेडी टू यू नो डू मल्टीपल रिविजन। अभी देखो कैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री करना है, वो तो आपको मल्टीपल वीडियोज मेरे खुद के चैनल पे, बहुत लोगों के चैनल पे मिल जाएंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वेरी बेसिक टिप्स इन एवरी सिंगल थिंग, कि बायोलॉजी में सबसे पहले अभी यू नो दिमाग खोलो, एनसीईआरटी करो, डोंट डू एनीथिंग एल्स। सेकेंडली, बिल्कुल भी अभी नोट्स निकालने के झंझट में आप मत पढ़ो, बिकॉज इतना टाइम नहीं है आपके पास कि अभी आप प्रॉपरली बैठ के एक एक चैप्टर के नोट्स निकालोगे। अगर आपको कुछ करना ही है तो आप एकदम ऐसे, अगर आपको ये चैप्टर में से 2-3 चीजें आपको लग रहा है कि ये मेरे को सबसे डिफिकल्ट लग रही है, या फिर ये फैक्ट्स रिमेंबर नहीं हो रहे, या फिर ये वर्ड याद नहीं आ रहा, और ये एकदम हाई यील्ड एमसीक्यू है, प्रीवियस ईयर आ चुका है, ये मेरे को आना ही चाहिए, तो वो आप लिख के रख लो। बट पूरा अगर आप चैप्टर का रिविजन, शॉर्ट नोट निकालने बैठोगे या फिर नोट्स निकालने बैठोगे, तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा,
make sure that you don't do it. Second thing, in chemistry also I would say inorganic and organic may only do NCERT. Do not try to make notes. Notes are not going to help you. NCERT yourself is a note. Very concise form mein udhar hi diya hai. Toh wohi baar 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 padho. Underline karo. Highlight karo. You know, again, agar aapko bahut hi zyada kuch kuch 5-6 fact aapko yaad nahi aa rahe hai. Toh aap likhe wo stick kar lo. Ya phir, you know, baar baar revise karne ke liye ek page pe likh lo. But other than that, do not try making notes. And do only NCERT for biology, inorganic chemistry and organic chemistry. Physical ke liye main kahunga previous year question pe 100% zyada ध्यान दो. वही बहुत बार रिपीट करके आते हैं. सिर्फ वैल्यू चेंज होती है. कई बार तो वैल्यू भी चेंज नहीं होती. बट वॉट एवर इट इज, बट द सेम पैटर्न हैपन इन फिजिकल केमिस्ट्री. सो अंडरस्टैंड टू डू दैट. फिजिक्स में भी अगेन डू वी PYQ, डू प्रॉपर नोट्स, डू प्रॉपर सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम यू नो LN और अदरवाइज वॉट एवर डिफरेंट बुक्स दैट यू आर यूजिंग. एंड अल्टीमेटली यू विल बी गुड टू गो. And as I said that previous year questions are extremely important and high yield questions are extremely important, I would like to introduce you all to my favorite NEET app, which is the MemoNEET app. Always believe that NCERT is the most powerful tool in order to score well in NEET examination, and therefore I would like to tell you all that MemoNEET is a perfect app because it has line to line question from NCERT. Every single line of NCERT along with diagrams are properly covered in this app. बहुत सारे इसमें फ्लैश कार्ड, मैच विथ एक्सपांशन एलिमेंट एंड फिगरिंग आउट द राइट फॉर्मूला फ्रॉम जंबल वर्ड्स करके बहुत सारे वेज है जिससे आपको फार्मूला लर्न करने में मदद मिलती है. क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन दैट फार्मूला ताकि आप वो अच्छे से समझ पाए, रिकॉल कर पाए. फिजिक्स जो टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है उस पर आपको बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल है MemoNEET ऐप पे ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक सो दैट यू अंडरस्टैंड इट, एनग्रेव इट इन योर ब्रेन. देर इज यू नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, 30+ years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. एंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दो सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर फ्रेम्ड सो दैट यू कैन मास्टर द वर्क मेथड एंड प्रिपेयर फॉर द नीट लेवल एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल. And one thing which is more special about MemoNEET than any other thing is that all the questions come with artificial intelligence technology so that it will ring you notification even if you forget to practice on the first day, third day and fifth day and eighth day in a spaced repetition manner to reduce the burden for revision. And if you study a question and get it wrong while revising it, come most number of time repeated until you get it right couple of. There are 2 lakh download and 20 million question practice so far. In this NEET, 96 out of 100 question from biology, 30 out of 50 physics question and 42 out of 50 chemistry question came directly from MemoNEET. In this NEET 2022 examination, बहुत सारे assertion और reasoning question पूछे गए थे और बहुत सारे लोगों. So MemoNEET are going to release a section specially for assertion and reasoning question as well. There are 30+ MemoNEET 2022 user which have got their score to be 600+ in the actual exam while scoring 200+ you know mocks before using MemoNEET. Around 100+ MemoNEET 2022 student are scoring 550+ in this NEET examination. Now full-length test series are also available for only ₹1,999 preparation, and if you use my code KUNCHLO300 you will get ₹300 off in all subscription pack. एक और चीज जिसने मुझे बहुत मदद की एंड आई होप कि आप सबको मदद करेगा कि अगर जब आपका दिमाग नहीं चल रहा हो ना, स्पेशली लास्ट यू नो मंथ में, कि आपको क्या क्या किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या टाइम टेबल से पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर किसके साथ कंबाइन करके ये हफ्ते के लिए पढ़ना चाहिए, तो आप सिंपली एक टेस्ट सीरीज पकड़ो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो. क्योंकि टेस्ट सीरीज ना आपको ऑलरेडी टाइम टेबल बना के देता है. वहां पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, वो आपको प्रॉपर टाइम टेबल करके देता है कि ये हफ्ते में, ये संडे में ये चैप्टर आएंगे, बायोलॉजी में से, केमिस्ट्री में से, फिजिक्स में से. और अगर आप वो ब्लाइंडली फॉलो करते हो और उस हिसाब से चलते हो, तो ट्रस्ट में आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली विद इन द टेस्ट सीरीज का टाइम लिमिट, क्योंकि टाइम लिमिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विद इन दैट गैप ऑफ टेस्ट सीरीज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट की टेस्ट सीरीज बहुत सारे आते हैं, 3-3 महीने की, 4-4 महीने की, तो वो पकड़ो, उसको रिलीजियसली फॉलो करो, एक टेस्ट सीरीज को फॉलो करो, मेक श्योर दैट यू स्टिक टू अ टेस्ट सीरीज एंड कंप्लीटली डू इट, एंड यू नो योर पोर्शन विल एक्चुअली विद इन टाइम लिमिट गेट ओवर. देखो बहुत सारी और भी फैक्टर्स है विच रियली रियली हेल्प. डू नॉट रियली ट्राई टू बिकम अ परफेक्शनिस्ट. इस केस में अभी आपका परफेक्शनिस्ट अगर आपको बनना ही था तो आपको 11 से स्टार्ट करना चाहिए था. अभी आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं. डू नॉट ट्राई कि मेरे को एकदम परफेक्ट ये चैप्टर आना चाहिए, इसको मैं 10 बार पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं. पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, जितना हो सके उतने चैप्टर करो, ताकि आपको अल्टीमेटली समझ में तो आए कि आपको यू नो दिस इज ऑल्सो देयर इन द पोर्शन, दैट इज ऑल्सो देयर इन द पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है. सो ऑल दिस थिंग्स, डू नॉट ट्राई टू बी अ परफेक्शनिस्ट. अपने आपको किसी से भी कंपेयर मत करो. आई थिंक द वर्स्ट थिंग
that you can do, especially in NEET preparation when you are in coaching institute and this many people are giving tests with you, this many people are studying with you. So therefore, comparing yourself with anybody is the worst thing that you can do ever in life, honestly. So therefore, do not compare yourself to other. Your journey is your journey. Be consistent, be disciplined. Motivation is a myth, you know, because honestly, motivation is nothing. It's just an emotion. Ye kuch kisi ke bolne se ya fir kuch karne se nahi aata aapke ko. Ek hi cheez hai, discipline is the truth. You know, discipline, agar aap rahoge, agar aap hard work karoge, roj everyday mehnat karoge, agar aapka Sunday bhi, Monday bhi, Saturday bhi, sab ek jaise din likhenge, jab aapko lagega ki haan, it doesn't really matter what is the day and date today, I know this much itna meko complete karna hai, ye complete karna hai, no time for your time pass or no time for your family or friends, you know, ultimately you have to give 6 months of your life completely devoted to this NEET preparation. And trust me, when you do that, you will actually, you know, get the result that you are craving for. Maintain a mistake notebook, that is also important. Give as many tests as possible. And I think ultimately at the end, thank Kunchlo for giving you this important tips and finally making next year into a government good medical college. And you know, this is all for today's video, guys. I hope you all like it. Please do check out the Memonit app. Will be in the description box below, also in the pinned comments. And also do let me know how you like it. Do let me know that what all you want me to make videos on. Until we meet, be happy. It is very important to be happy. Bye.